मणिपुर हिंसा के बीच केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सुनकर उछल पड़ेगी दिल्ली की जनता। जी हां, आपको बता दें कि केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत एक व्यक्ति को हर दिन 20 लीटर आरओ का पानी मिलेगा और इसके लिए वाटर एटीएम भी बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने आज केजरीवाल मायापुरी पहुंचे। मायापुरी पहुंचकर केजरीवाल ने इस वाटर एटीएम का निरीक्षण किया। केजरीवाल ने इस दौरान कहा, हर निवासी को हर दिन 20 लीटर शुद्ध पानी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि 4 वाटर एटीएम लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों और दूसरी बड़ी घनी आबादी वाले इलाकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 500 वाटर एटीएम लगाएगी। इस दौरान केजरीवाल ने मीडिया से भी बातचीत की, तो आइए पहले सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी के टैंकर से रेगुलरली पानी की सप्लाई की जाती है, ऐसे इलाकों के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती कई कारणों की वजह से। उसके लिए अब ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया तरीका निकाला है, जिसमें हम ट्यूबवेल लगाएंगे, केवल उन्हीं एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे पानी का वाटर टेबल हाई होगा। लेकिन ट्यूबवेल लगाने से पानी जो निकलता है उसकी, अंडरग्राउंड वाटर की दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको आरओ से उस पानी की सफाई करेंगे, और आरओ का पानी जो है फिर यहाँ पे हमने एक तरह से पानी के नल लगा दिए हैं, जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, हर परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड को इस्तेमाल करके 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं ना पर मंथ, 20,000, ये एक तरह से वाटर एटीएम है। इस कार्ड के जरिए हर परिवार महीने में 20,000 लीटर, 20 लीटर रोज, 20 लीटर रोज पर्सन पर डे, 20 लीटर एक 20 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से वो अपना पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं, अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे, और 20 लीटर पर डे पर पर्सन का पानी बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो 20 लीटर पानी पर पर्सन पर डे साफ पानी लोगों को, जहां पहले टैंकर आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जहां ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल का पानी गंदा आया करता था, लोग गंदे पानी से परेशान थे, ऐसे सभी इलाकों के अंदर अभी हमने पायलट किया है, दिल्ली के 2-3 इलाकों के अंदर ही पायलट किया है, 4 इलाकों में, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। अब पूरी दिल्ली में जहां जहां झुग्गी बस्तियां हैं या जहां जहां वाटर टैंकर रेगुलरली जाते हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती, वहां इस तरह के वाटर एटीएम लगा के हर परिवार, हर व्यक्ति को ऐसा कार्ड दे दिया जाएगा और कार्ड के जरिए वो पानी ले सकते हैं। परिवार को दिया गया है या प्रति पर पर्सन? 2000 दे चुके हैं, 2000 परिवारों को दे चुके हैं, 2000 पर, हाँ जी, एक आदमी को। अभी 4 शुरू हो चुके हैं और लगभग 500 के करीब पाइपलाइन में है, 500 के करीब पहले फेज में लगाने हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर कर दीजिए, आपने बोला पर पर्सन 20 लीटर, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, ये एक पांच कार्ड पर पर्सन कार्ड दिया जा रहा है, पर पर्सन कार्ड दिया जा रहा है। मणिपुर का मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट, चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, उस पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के बयान जारी करने की मांग हो रही है, देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। तो इस खबर को सुनकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियाल की रिपोर्ट।